हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट ऑफ सस क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन मतलब आपके साथ CH2Cl ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा? आपका बेंजीन रिंग पे। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये रिएक्शन यूजुअली होता है बेंजीन रिंग पे। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। ये है आपके पास बेंजीन, आपने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड HCl और AlCl3 डाल दिया, तो आपका फॉर्मेशन होगा CH2Cl। बहुत ही इजी इसका मैकेनिज्म भी है। कैसे इसका मैकेनिज्म आता है, चलिए देखते हैं। पहले आपके पास HCHO और HCl है, तो ये कैसे आएगा? मैं डबल बॉन्ड हो प्लस HCl, तो क्या होगा? और AlCl3 इधर है आपका, ये जाके इधर अटक गया, ये बाहर निकल गया, तो हो जाएगा AlCl4-, तो क्या होगा? इधर आपका डबल बॉन्ड OH प्लस और AlCl4-। तो इसमें क्या होगा? अभी आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जाके क्या करेगा? बेंजीन रिंग जाके आपको अटैक कर देगा OH पॉजिटिव, ये अटैक हो गया। अभी अटैक के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? जो -H+ जैसे होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH। फिर से मीडियम में एसिड है, H+ है, H+ इसको OH2+ बन जाएगा, और अभी मीडियम से HCl आके इधर अटैक कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग का फाइनल कंपाउंड होगा CH2Cl। तो ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन एक बहुत ही इजी रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपका ये जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा? HCl बनेगा, HCl जाके OH बनाएगा, HCl4-, उसके बाद आपका ये बनेगा और OH बनेगा, OH बाद में जाके क्या करेगा? आपका Cl-, ये बाहर निकल जाएगा, CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाए। तो एक बहुत ही इजी रिएक्शन मैकेनिज्म है, और इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये आपका IIT जैम के सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसका एक साइड प्रोडक्ट बनता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है यूजुअली, इसीलिए ये रिएक्शन ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका रिएक्शन है इसमें ये फॉर्म होता है, तो क्या हो सकता है कि इसमें जाके इसमें आपका ये है आपका ऑक्सीजन OH, और उसके बाद आपके पास CL है, CL जाके अटैक करने से ये वाला ग्रुप का बहुत OH CL ये आपका बन सकता है। तो ये वाला में क्या होगा कि ये वाला में फिर से अगर HH ये वाला क्या कर सकता है, ये वाला ये OH जाके और एक को अटैक कर देगा। मैं थोड़ा इसको डिलीट करके इधर लिख देती हूँ, देखो पहले आपके पास ये वाला है, यहाँ पे जाके Cl- अटैक किया, Cl- अटैक करने से क्या बनेगा आपका OH और Cl, तो अभी क्या होगा? अभी फिर से आपके पास ये OH है, तो OH पॉजिटिव और भी मीडियम में है, ये क्या करेगा? ये जाके OH को अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा? Cl, ये आपका H Cl CH2
ओ सी एच टू ओ एच। तो इसमें फिर से एसिड एसिड ओ एच टू प्लस बनाएगा सी एल सी एच टू ओ सी एच टू ओ एच टू प्लस और सी एल माइनस देने से क्या होगा सी एल सी एच टू ओ सी एच टू सी एल। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये वाला रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है कि ये वाला रिएक्शन में पहले ये अटैक करेगा ये ओएच बनेगा उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक एक प्रोडक्ट है इसीलिए ये रिएक्शन यूजुअली एक साइड प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो जाता है ये वाला बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये रिएक्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर डायरेक्ट क्लोरोमेथिलेशन। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।